अगर आप इतने प्लांट्स बांट रहे हो, लेकिन उनके लिए न्यूट्रिशन कहाँ से लाएंगे हम, उनके लिए सेपरे कहाँ से लाएंगे हम। मान लो अगर डोडा में सेपरे मिलती है या भद्रवा में सेपरे मिलती है, 200 रुपये 300 रुपये आने जाने का किराया है, तो 300 रुपये की वहां से चीज लानी है, बोलो कितने रेट में पड़ती है वो जिम्मेदार। यही चीजें हार्टिकल्चर को देखनी होगी। हार्टी में कहीं दवाई का अरेंज करना होगा जो सेपरेट शेड्यूल है, चाहे लेमन का हो, वॉलनट का हो, या एप्पल का हो, या दूसरी चीजों का है। मैं बताऊंगा जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं, कोई भी पौधा हो, देखो ये तैयार है, ये अच्छा निकला है पौधा, इसमें पत्ते भी हरे दिख रहे हैं, इसमें लेवल जो है इस तरह से जमीन का लेवल है, ड्राफ्ट यहां से ऊपर होना चाहिए कम 2 इंच इस आकार से। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम जंगलवाड़ फिर से आए हैं इनामुल हक के बगीचे में, जो नया ही इंस्टॉल किया है इन्होंने लेमन का, तो इसे ही देखने के लिए आए थे। इनके साथ बात भी हुई थी तो कुछ चीजें बोल रहे थे कि देख लो आके बगीचे में क्या है क्या नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पे आए इनका, जब ये हमने प्लाट देखा, बहुत बढ़िया प्लाट है, इसमें प्लांटेशन करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, और आप देख रहे हो कि पूरा इन्होंने भर दिया है। थोड़ी सी मेहनत की कमी है, वो चीजें हमने इनको मेंशन कर दी। एक तो इन पे डंडा अच्छा लगाना है, और साथ में जो है इन्होंने पानी भी डाला है, लेकिन इनको हमने सजेस्ट किया कि आप ड्रिप एरिगेशन लगा लो, क्योंकि ड्रिप एरिगेशन इसलिए जरूरी है कि सिर्फ स्टॉप खोलना है, उसके बाद आसानी है, मेहनत कम है उसमें। तो जगह इनके पास अभी भी है, उसमें भी ये प्लांटेशन करेंगे। फिलहाल तो ये इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने यहाँ पे ये लगाया है। प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी है। अब देखते हैं इनके सारे पेड़ किस तरह लगाए हैं इन्होंने। इधर से ये देखो लाइन किस तरह लगी हुई है। इसमें ड्रिप एरिगेशन लगाना जो है ना, वो बहुत आसान है। और साथ में मैं बताऊंगा जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं, कोई भी पौधा हो, देखो ये तैयार है, ये अच्छा निकला है पौधा, इसमें पत्ते भी हरे दिख रहे हैं, इसमें डंडा अच्छा नहीं लगा हुआ है, इस तरह के डंडे नहीं लगाने हैं, पूरा प्लेन डंडा लगाना है और यहां से शुरू करना है इसको। जब ये सीधा बनेगा इस आकार में इसको लेके आना है हमने, इसका जो है सेंटर अच्छा बनेगा। जब इसमें फेदर फटेंगे, फेदर जो है वो आराम से फटेंगे, देखो ये टेढ़ा हो रहा है, इसीलिए डंडा लगाना जो है वो जरूरी है, कम से कम 1 साल, जब तक इसका आकार पूरा सीधा हो जाए। और साथ में देखना है जहां पे ड्राफ्ट है, ये जमीन का लेवल जो है इस तरह से जमीन का लेवल है, ड्राफ्ट यहां से ऊपर होना चाहिए कम 2 इंच, इस आकार से ऊपर 2 इंच होना चाहिए। बस इस इन्हीं चीजों का ख्याल रखना है जमींदारों ने। बाकी जो खड्डे, ये खड्डे जो है, खड्डे भी अच्छे बनाए, खड्डों में भी एक ध्यान रखना है, जब आपका खड्डा बनता है, खड्डे के बाद जो साइडों वाली जो आप मिट्टी निकालते हो, जिस तरह ये इन्होंने मिट्टी खड्डे की निकाली हुई है, लेकिन जब आपने खड्डे को भरना है, खड्डे को किस तरह भरना है, खड्डे को जो ये मिट्टी है साइडों वाली, इसको गेंती से निकाल के खड्डा भरना है, और लास्ट पे जो निकाली हुई खड्डे से मिट्टी है वो लास्ट पे डालनी है। एक इनको मैंने बोला इसको थोड़ा ऐसे बांध के रखना है, देखो इस आकार का पेड़ बनना चाहिए। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, देखो हम तारीफ करते हैं अपने हार्टिकल्चर की, कि हार्टिकल्चर वालों ने किस तरह अच्छे पौधे दिए हैं। ये देखो इसमें जो है वो फूल आ रहे हैं, अभी कुछ ही दिन पहले ये लगाया गया है। लेकिन अगर डायरेक्टर साहब या चीफ साहब मेरी बात सुन रहे हैं, आपका मटेरियल बहुत अच्छा है, हम इसको मानते हैं, बट ये सूखता क्यों है, हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे हैं बरसों से, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जब बागबान पेड़ आपसे लेके आता है या कहीं से भी लेके आता है, उसको तजर्बा नहीं होता है कि इसको कैसे मैंने चलाना है। मैं चाहता हूं चीफ साहब और डायरेक्टर साहब से मैं ये कहूंगा कि आप एक टीम क्रिएट करें, सिर्फ आप 3 पंचायतों के लिए टीम क्रिएट करें, क्योंकि अगर हार्टिकल्चर की टीम आती है, अगर करोड़ों लाखों के हिसाब से आप पैसा देते हो हार्टिकल्चर में, पेड़ लाते हो, हमें देते हो, लेकिन फिर भी हम सक्सेसफुल क्यों नहीं है? इसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि हमें तजर्बा नहीं है। वो तजर्बा हमें, गाइडेंस हमने देनी है डिपार्टमेंट ने। अगर डिपार्टमेंट वाले यहाँ पे अगर कोई टीम क्रिएट होती है, साथ में प्रोनर होना चाहिए, न्यूट्रिशन वाला होना चाहिए, उसके बाद जो दूसरी चीजें हैं, पूरी एक टीम आप भेजे कभी, एक तो नामना पंचायत में, फक्सू पंचायत में, और साथ में जंगलवाड़ पंचायत में, क्योंकि यहाँ के पढ़े लिखे लोग जो है बागवानी में उतर रहे हैं, हमें चाहिए कि इनकी सपोर्ट करें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ हार्टिकल्चर को, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि प्लांट मटेरियल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको एक बार आना पड़ेगा और हमारे बगीचों को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें कमी रह रही है, क्यों हम हर साल फ्रूट नहीं ले पा रहे हैं, चाहे वो सेब के बागबान हो या लेमन के हो या दूसरे किसी भी वॉलनट वगैरह। जिस तरह मैंने कहा था कि डायरेक्टर साहब और चीफ साहब को टीम क्रिएट करें, तो पिछली बार यहाँ पे आए थे हमारे पास रूप साहब आए थे, SDO जो ठाठरी के हैं, तो वो आए, उन्होंने देखा, वो भी खुश हो गए थे मेहनत से, लेकिन उनके पास बिजी शेड्यूल बहुत है,
वो हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, हमको दिख रहा है क्योंकि आज प्लांट बांट रहे हैं वो, इसीलिए कह रहा हूं मैं कि आप डोडा से एक टीम क्रिएट करें तो वो हमारे इलाके में भेजें, चाहे सेब के दरख्त हो, अखरोट के दरख्त हो, जितना भी इलाका है इसे कवर करें, और जहां पे हमें कमियां हो रही हैं उस कमी को बताएं कि हम फेलियर क्यों हैं, क्यों हम हर साल क्रॉप नहीं ले पा रहे हैं, क्या कमियां हमें, कहां पे कौन सी बीमारी आ रही है खासकर, और जो खादें आ रही है, जो फर्टिलाइजर आ रहा है। देखिए आज हमको यूरिया की जरूरत थी, एप्पल प्लांटेशन को, एप्पल प्लांट्स को जरूरत है आज यूरिया की, क्योंकि आगे जो है फूल निकलने वाले हैं, तो कहां अभी ठाठरी में तो है ही नहीं कहीं। अच्छा, इनकी हॉर्टिकल्चर की लेबोरेटरी हमको बोलती है कि आपको DAP 4615 देनी है, उनकी लैब हमें रिजल्ट ये देती है, रिपोर्ट देती है कि आपको 4615 DAP की जरूरत है। आप बोलो ठाठरी में कहाँ मिलती है, हमको कहाँ से लाएंगे हम। इन चीज़ों को हॉर्टिकल्चर को देखना चाहिए कि हमें दवाई यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमको जो फर्टिलाइजर है, खादें वगैरह जो हैं वो भी प्रॉपर रखनी होगी, तब जाके हम कामयाब होंगे। अगर हमें एक चीज़ श्रीनगर से लानी पड़ेगी, दूसरी चीज़ हिमाचल से लानी पड़ेगी, तीसरी चीज़ और कहीं से लानी पड़ेगी, बोलो एक गरीब जिम्मेदार क्या करेगा, क्या वो ले सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है जो जिम्मेदारी करेगा वो अमीर तो है नहीं, वो गरीब है। इसीलिए मैं कहता हूँ, फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ हॉर्टिकल्चर वालों से कि आप इन चीज़ों पे भी ख्याल रखें। अगर आप इतने प्लांट्स बांट रहे हो लेकिन उनके लिए न्यूट्रिशन कहाँ से लाएंगे हम, उनके लिए स्प्रे कहाँ से लाएंगे हम। मान लो अगर डोडा में स्प्रे मिलती है या भद्रवाह में स्प्रे मिलती है, 200 रुपये 300 रुपये आने जाने का किराया है, तो 300 रुपये की वहां से चीज़ लानी है, बोलो कितने रेट में पड़ती है वो जिम्मेदार। यही चीजें हॉर्टिकल्चर को देखनी होगी। ठाठरी में कहीं दवाई का अरेंज करना होगा जो सेपरेट शेड्यूल है, चाहे लेमन का हो, वॉलनट का हो, या एप्पल का हो, या दूसरी चीजों का है, तो ये चीजें खासकर ख्याल रखनी होगी। शुक्रिया वादा।